मुझे आपको खुशी महसूस हो रही है कि मुझे आपके सामने इस भाषा प्रतियोगिता में कुछ बोलने का अवसर प्रदान किया गया है, जिसके लिए मैं तहे दिल से त्रिवेदी शंकर सिंह की अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे इस लायक समझा कि मैं सोशल मीडिया जैसे विषय वस्तु पर कुछ बोल सकूं। तो मेरा आज का विषय वस्तु है सोशल मीडिया, जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगी। सोशल मीडिया आज हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसके माध्यम से हम किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में बसे अपने प्रियजनों से बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया के बिना जीवन की कल्पना भी करनी मुश्किल है। सोशल मीडिया हमारे लिए नुकसानदेह है, लेकिन उसके साथ साथ फायदेमंद भी तो है। तो सोशल मीडिया के फायदे पर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, जो इस प्रकार है। सोशल मीडिया मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। सोशल मीडिया के जरिए हम दुनिया की हर छोटी बड़ी घटनाएं घर बैठे जान सकते हैं। अगर हमारे साथ वर्तमान में कुछ गलत हुआ हो तो उसे सोशल मीडिया पर शेयर करके न्याय ले सकते हैं। सोशल मीडिया शिक्षा का एक अच्छा उपकरण है। सोशल मीडिया के नुकसान, जिस पर मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। सोशल मीडिया के ज्यादा यूज करने पर हमारी समय की बर्बादी होती है। इसके लत लग जाने पर छात्र अपनी पढ़ाई की ओर केंद्रित नहीं कर पाते हैं और इसके साथ साथ हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होता है और सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्थाओं में काफी नुकसान होते हैं। अगर आज के समय में हम सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए वरदान है, लेकिन अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए अभिशाप भी बन सकती है। तो इसलिए आप पर निर्भर करता है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। चेहरे पर फेसबुक से रौनक है, दिल व्हाट्सएप को आ जा रहा है। समाज से कटकर भी इंसान सोशल हुआ जा रहा है। धन्यवाद।